तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या है। कि इसमें ये कहते हैं कि अगर एक वॉल है, ये जो है एक वॉल है, और इस वॉल से एक स्ट्रिंग अटैच है, और ये एंगल कुछ इन्होंने दे रखा है, ये एंगल कुछ 30 डिग्री, और ये जो पॉइंट है वो ओ है। तो एक ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का अपना मास जो है, वो अपना मास है वो √3 kg है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये जो फोर्स इस पॉइंट एक नॉट है, गांठ होता है, तो इस फोर्स को लगा के पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन निकालो। ए ब्लॉक अटैच टू स्ट्रिंग, द फोर्स अप्लाइज इन 30 डिग्री, टेंशन, मतलब इस सिचुएशन में एक्सेलरेट नहीं कर रहा सिस्टम, तो टेंशन निकालो। तो ऑब्वियसली देखो, ये जो लाइन है डॉट डॉट डॉट, ये हॉरिजेंटल है, और ये जो लाइन है डॉट डॉट वो वर्टिकल है। तो अगर ये एंगल 30 है, तो ए भी तो 30 होगा, और अगर एक 30 होगा, तो इसमें जो टेंशन टी इधर आएगा, उसका एक कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा इधर आएगा, और ये टी कॉस 30 इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा एक कॉम्पोनेंट जिसका नाम मैं रखूँ T sin 30, T sin 30। तो अब यहाँ से जो इस जो ये पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे, तो ए पॉइंट पर ऊपर लगा T cos 30, इधर लगा एक्स एक्सिस में एफ, और निगेटिव एक्स एक्सिस में गया वो गया T sin 30, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड गया वो गया वेट mg, मतलब mg मतलब √3g ये वाला। तो जो ए पॉइंट है अगर इक्विलिब्रियम में है, तो नेट समेशन ऑफ फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस 0 होता है, और नेट समेशन ऑफ फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस 0 होता है। तो अब हमें क्या चाहिए, पहले ये सोचो कि हमें निकालना क्या है। तो हमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन सिंपल सी बात है यार, वर्टिकल में ये वाला इक्वेशन यूज कर दोगे तो टेंशन निकल जाएगा, मतलब T cos 30 बैलेंस किया होगा वेट mg को √3g को, और T cos 30 मतलब sin 60 मतलब √3/2 T cos 30 sin 30, यहाँ से √3/2 की जो वैल्यू रखोगे, तो ये √3/2 और ये आ जाएगा √3 और ये जी, तो √3 ने √3 उतार दिया, तो टेंशन इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो फाइनली जो सोल्यूशन होगा वो 20 न्यूटन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखो मेरे प्यारे बच्चों।